अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से ना, ओ भाई यहाँ पे हॉट डॉग को सैंडविच बोलते हैं। पिज्जा कैसे होने वाला है? पिज्जा इतना मोटा होने वाला है। ये है जी न्यूटेला की पूरी दुकान, जहाँ पे न्यूटेला के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। लास्ट डे है, इनकम्प्लीट सी फीलिंग आ रही है, पर उसके लाइव के बेस्ट कैरेमल पॉपकॉर्न होते हैं। इनकी हर एक आइटम के अंदर अंडा जो है वो घुसा दिया हुआ है। क्या है ये अंगूरी फ्राई? हेलो ओएनजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन शाम, क्योंकि है हमें एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम। आज का काम हमारा ये है कि आपको देना है शिकागो का फूड टूर, जिसके लिए हमने करी है बहुत ही ज्यादा मेहनत, दर दर भटके है, वहाँ से खाना खाया है और चूज करी है हैंड पिक्ड फेवरेट जगह। और जो कोई भी चैनल पे नया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट कर दे जो भी आपका कमेंट करने का मन करे, और करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। ये होने वाले हमारे फूड गाइड जेडी सिंह, जो हमें देंगे शिकागो के फूड का टूर। एक्साइटेड? यस सर। पेट खाली करो, टॉयलेट हो। अरे मैं दो बार ही जाया हूं, अब नहीं कुछ बचा उसके अंदर, अब टैंकर खाली है। चलो तो जी, शिकागो शहर जो है ना, वो है हमारे यहाँ से 40 मिनट दूर। तो रास्ते के लिए ना हम लेने लगे हैं डंकिन डोनट्स एंड कॉफी, और यहाँ पे डंकिन की बहुत ही ज्यादा सेल है, जैसे कनाडा में टिम हॉर्टन की है, यूएस में डंकिन की है। वो कहते हैं अमेरिका रन्स ऑन डंकिन। क्या भी हो गया? ठंडी कॉफी। कैन वी गेट वन लार्ज? आ गई अपनी डंकिन। जाके आ चुके हैं हम शिकागो में, और शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा क्यूट सी दुकान के साथ, जहाँ पे मिलती है बबल टी। आपको अंदर से एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, और उसके बाद दिखाते हैं कि बबल टी कैसे होने वाली है। शॉप का नाम है उमेटी, और पूरी पिंकी पिंकी हुई पड़ी है यहाँ पे। तो जी शॉप है कुछ इस तरीके की। ऑटोमेटिकली ना दुकान के अंदर आते ही वाइब जो है वो गुड वाली आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मतलब इतनी ज्यादा क्यूट शॉप है ना। यहाँ पे ना खाने पीने की चीजों के अलावा मिलते हैं खिलौने। अच्छा ये वो चीज है, क्या आप अपने ड्रिंक के ऊपर लगा सकते हो? क्यूट क्यूट चीजें। अंडा, अंडे के अंदर से हमने निकाला भाई साहब बच्चा। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से ना 4-5 गिफ्ट तो अपनी गर्लफ्रेंड को पक्का देगा ही देगा। तो ये ड्रिंक हमने यहाँ पे अपनी ले ली हुई है। इस ड्रिंक में खास बात जो है वो है जी इसका ग्लास, ये है सरप्राइज ग्लास। लेट मी सी फाड़ना कहाँ से है, और इसके अंदर से निकलता है ये कीरिंग। दिस इज समथिंग रियली यूनिक। इंडिया में जो कोई भी देख रहा है बबल टी वगैरह बेचता है, तो मैं कहना चाहूंगा कंसेप्ट आपको दे दिया हुआ है, चोरी कर लो। तो जी पहली ड्रिंक जो हमने यहाँ पे मंगाई है वो है जी ओरियो वाली, देख के अच्छी लग रही है। लेट्स ट्राई। बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग। डेकोरेशन तो चलो अच्छी है ही है, टेस्ट रियली गुड। एक ड्रिंक हमने यहाँ पे और मंगाई है, जिसका नाम है माचा टी, जिसकी प्रेजेंटेशन भाई साहब इतनी ज्यादा क्यूट है ना, टेडी बियर जो है आप अलग से साथ लेके जा सकते हो। टेस्ट बहुत बढ़िया है। और जी यहाँ पे हमने मंगाया है चिकन पॉपकॉर्न, गर्मा गर्म। आज तक ना चिकन पॉपकॉर्न या तो मैंने खाए थे KFC पे या फिर फ्रोजन, पर ये बहुत अलग है। यहाँ पे ना बंदे हो चुके हैं इसके फैन। आप भी अगर कभी शिकागो आओ तो इस जगह पे प्लीज विजिट करना, मजा आएगा। और अब हम आ गए हैं ट्राई करने शिकागो की आन बान और शान, जो है डीप डिश पिज्जा। तो जी ये रेस्टोरेंट नाम है इसको जियो डानोज। पिज्जा कैसे होने वाला है? पिज्जा इतना मोटा होने वाला है, पेट ऐसे हो जाएगा ऐसे। भाई साहब ये जो जगह है ना पूरी हाउस फुल हुई हुई है, लोग ना पागल है डीप डिश पिज्जा के लिए। भाई साहब जेडी क्या बात है, ये पिज्जा कम और केक ज्यादा लग रहा है। पिज्जा पाए है, पिज्जा पाए। अपना जो है पिज्जा आ चुका हुआ है, जो पिज्जा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये है पिज्जा पाए। और थिकनेस इसकी और ये सारी चीज ही चीज है, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। और सुनेगी इस पिज्जा को, रब कर दे चीज बोल। पर अब खा के बताओ कैसा लगा? यहाँ पे ना जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, मोस्टली जो चीज मैंने देखी है आपको चिली फ्लेक्स मिलते हैं, ओरिगैनो नहीं मिलता है भाई साहब। चीज का पाउडर है ये, वैसे तो डालने की जरूरत है नहीं, पर मैं डाल रहा हूँ ऊपर। मन तो मेरा कर रहा है कि इसको ऐसी दंदी मार के खाऊं, पर ये वो वाला पिज्जा है जो फोर्क एंड नाइफ के साथ खाया जाता है, पर हम तो ऐसे ही खा लेंगे।
एक स्लाइस और आपका पेट जो है पूरा भर जाएगा। पूरा मूल बेड़ू पिज्जा है, चम्मच और फोर्क के साथ ही खाता हूँ, बट इट इज गुड, सच में अच्छा है। एक बार तो ट्राई करना बिल्कुल बनता है अगर शिकागो आ रहे हो। यहाँ पे हमारे फूड क्रिटिक्स, कैसा लगा? इट्स गुड। एक बारी पहली बारी अगर ट्राई कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ, नजारे आ जाएंगे। घर भी पहले ये बताओ पिज्जा कैसा लगा? पहले मुझे ये बताओ क्या तुम भी वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रहा हूँ? हम सब वही फील कर रहे हैं, एक ही नाव में सवार हैं। इतना ज्यादा हैवी था ना पिज्जा, एक स्लाइस खा लो एंड यू आर डन। अभी डन नहीं हुई, अभी तो हम खाएंगे मीठा। तो जी अब मीठे की बारी आ चुकी हुई है, कुछ बढ़िया सा मीठा ढूंढते हैं और खाते हैं। ये है जी नुटेला की पूरी दुकान, जहाँ पे नुटेला के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है, परंतु हमारी किस्मत में आज नुटेला नहीं है क्योंकि दुकान हो चुकी है बंद। पर अच्छी चीज जो है ना यहाँ पे वो ये कि नुटेला की डिशेस बना के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैनकेक के साथ नुटेला और पता नहीं क्या क्या चीजों के साथ नुटेला, जा नहीं पाए ना तो पता नहीं है, पर नुटेला वाली डिशेस मिलती है। इधर कहाँ पे जाना है अभी ढूंढने दो, पांच मिनट दो, पांच मिनट दो, बताओ कहाँ जाना है, पांच मिनट दो, पांच मिनट दो, जल्दी बताओ कोच, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुई, पांच मिनट दो, पांच मिनट मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज हमारी जो किस्मत है वो हमारा साथ नहीं दे रही है क्योंकि हमने सोचा कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस दुकान से पॉपकॉर्न खाएंगे, परंतु वो दुकान भी हो चुकी है बंद। ये है दुकान गैरेट। मैं मीठा खिला के रहूंगा, चाहे तो मैं खांडी ना खिलाऊं, खंड मतलब चीनी खिलाऊंगा कुछ नहीं सुबह। चलो जी शिकागो की फेमस, वर्ल्ड फेमस चीनी खा लेंगे हम तो। एक बारी देख लो, ये है जी दुकान गैरेट और इनके जो पॉपकॉर्न है वो है जी वर्ल्ड फेमस, एंड गल बात वाले पॉपकॉर्न होते हैं। इवन दो मैंने पॉपकॉर्न यहाँ के नहीं खाए हैं, बट रिव्यूज जो है वो मैंने बहुत ज्यादा सुने हैं और पछतावा हो रहा है कि ट्राई नहीं कर पाएंगे। वैसे तो अपनी टिड्डी जो है वो गई है भर, पर अपनी नियत जो है वो भरी नहीं है। तो अभी शिकागो में एक और चीज जो हम ट्राई करने आ गए हैं वो है क्या है? वो है जिम्स ओरिजिनल पॉलिश बर्गर, सबसे बेस्ट बर्गर। अभी हुआ क्या कि मैंने अनकार को वादा तो कर दिया स्वीट डिश का, हाँ। लेकिन लेट होने के कारण स्वीट डिश हमें मिल नहीं पा रही है। अच्छा। तो मैंने डिनर ही दोबारा करा दिया कि थोड़ा टाइम और मिल जाएगा स्वीट डिश खाने के लिए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। पहले खुशबू देखो भाई साहब, खुशबू देखो, खुशबू आपके तक तो पहुंच नहीं रही होगी पर मैं बता देता हूँ, प्याज का तड़का लगा ऐसा लग रहा है। तो जी ये नुक्कड़ पे दुकान है, नाम क्या है? जेम्स ओरिजिनल पॉलिश बर्गर। अब माहौल देखो, चंडीगढ़ वाली वाइब आएगी, लोग वहाँ से उठा रहे हैं वहाँ पे पॉलिश बर्गर। क्यों? बन पे पॉलिश मार के देते हैं, हाफ करके देते हैं ना, सीजन में सीट सारे उड़ा देते हैं। अच्छा। लेकिन वैसे इसका बर्गर बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, यूआईसी के पास है। अगर आप देखोगे साइड पे सारे गाड़ियां लगा के वहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बातें करेंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल माहौल रहता है। आओ, गाड़ियां तो सच में बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेट्स ट्राई। जेडी ने ना एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ही ज्यादा चक दिया हुआ है, अब जरा जल्दी से ट्राई करते हैं। वन पॉलिश सॉसेज। तो ये अपना सैंडविच अपने पास आ चुका हुआ है। ओ भाई, यहाँ पे हॉट डॉग को सैंडविच बोलते हैं। ये है जी हॉट डॉग, इसको सैंडविच बोली जा रहा है जेडी। इसके अंदर प्याज बहुत डाले हुए, मिर्चे बहुत डाली हुई है, खा के देखते हैं कितना तीखा है भाई। एक बार आप अच्छे से देख लो। आहा करारा, आहा सीसी करवा दी हुई है। पहले मैं सोचा था यहाँ की जो मिर्च होगी वो तीखी नहीं होगी, परंतु काफी तीखी है, स्वाद है, नजारे आ गए। ये चीज तो मैं अकेले खाने वाला हूँ, चेक करवा ले। क्या करता है रे तेरी तो? यहाँ पे लोग कैमरे को देखकर खुश बहुत हो जाते हैं। और जी अपने हॉट डॉग के साथ हमें मिली है फ्रेंच फ्राइज, जिसके ऊपर डाला हुआ है मसाला। मैकडोनल्ड की फ्राइज से 100 गुना बेटर, बहुत ज्यादा टेस्टी। ये भी मस्ट ट्राई वाली जगह है। हो गया है जी डे टू और अपना जो फूड टूर है वो अभी भी हो रहा है कंटिन्यू। जेडी सिंह जल्दी बताओ क्या करते हैं अपने? आज हम रेस्टोरेंट ही घर पे बुला लेंगे। बेसिकली आज हमारा होने वाला है हिबाची एक्सपीरियंस। हिबाची क्या होता है? एक एशियन कुक होता है, घर पे आके खाना बनाता है, बट ये खाने के ऊपर नहीं है, इट्स मोर अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। भाई साहब गौर से देखिए इस मक्की को, इस मक्की का कलर है पर्पल, इसका है गोल्डन, इसका है डब खड़ब्बा, ऐसी ऐसी मक्की मिलती है यहाँ पे। अभी ना हम जा रहे हैं इंद्रवीर जी के घर पे क्योंकि हिबाची को हमने वहाँ पे बुला लिया हुआ है। एक्साइटेड? पूरा पूरा पूरा। पहले कभी घर पे बुलाया? घर पे रेस्टोरेंट नहीं बुलाया। आए हाय, आज बात बनेगी। हमें ना आते आते लग गया है टाइम और यहाँ पे सेटअप जो है पहले से तैयार है। आर यू एक्साइटेड? हम बहुत ज्यादा है, जेड़ा बनाने वाला उसको कोई एक्साइटमेंट अभी दिखी नहीं थी। फाइनली जाके कार्यक्रम होता है यहाँ पे शुरू। Happy Holi! I'm drinking whiskey, I'm fine. You want? Ready? Yeah. Okay. Go. Happy more happy.
One, go, go, go. Two, go! Come on! Over the umbrella! Come on! One, two, go! Try again! One, two, last one! Oh, teri ni maati hai girl! Bigger one! Bigger one! एक्सपीरियंस है ना सच में हो चुका है एंड गल बात भाई साहब सामने खाना बन रहा है गर्मा गर्म सर्व हो रहा है और टेस्टी भी बहुत ज्यादा है मसीर अच्छा लग रहा है गुड गुड पाजी तुसी दसो भाई अगर कोई घर पे आके खाना बना रहा हो ना और इस लेवल का गल ही हो रहा है पाजी तुसी दसो वेरी गुड यू आर रियली गुड थैंक यू फूड इज गुड गो 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 मोर साकी मोर 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 साकी मोर साकी मोर साकी मोर साकी बनाना है क्या लगता है कि प्रभ कितना कर पाएगा प्रभ पूरी बॉटल पी जाएगा तुम्हारी शर्ट दागो दाग हो गई है इन्होंने दागो दाग कर दी हुई है Are you ready? प्रभ तेरा ये लीटर का मुंह है Dad. Tomorrow. तो जी हो चुका है डे 3 और अपना जो फूड टूर है अभी तक हो रहा है कंटिन्यू आज देखते हैं क्या क्या खाने को अपने को मिलेगा सब कुछ मिलेगा लेकिन एक काम कर हमें टिकट एक्सटेंड करवा ले सॉरी मुक्ति औकात में रहो क्योंकि ना फूड टूर एक दो दिन में खत्म नहीं होने वाला 50-60 दिन चाहिए हमें फिर फूड टूर तेरा खत्म इसको ना अच्छा बहाना मिल चुका हुआ मेरे बहाने खुद खाई जा रहा है चीजें आज लास्ट डे है एक्सप्लोर करने का आज फाइनली हम ट्राई करने वाले हैं गैरेट के पॉपकॉर्न आज ना पहली बारी बिना मूवी के पॉपकॉर्न हम खाने जा रहे हैं इनकम्प्लीट सी फीलिंग आ रही है पर खा के देखते हैं क्या होता इसके बाद मूवी देखने का मन कर जाए पॉपकॉर्न की वैरायटी है बेशुमार ये है जी चीज कैरमल बटरफ्लाई तो जी ये छोटू सा पैकेट जो है ये हमने लिया है 650 रुपीज का जिसके अंदर है कैरेमल और चीज वाले पॉपकॉर्न गौर से देखिए पहले पॉपकॉर्न को ऐसे दिखते हैं महंगे महंगे पॉपकॉर्न अब जरा ट्राई करते हैं वाहो जो कैरेमल वाले पॉपकॉर्न है ना भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ अगर मुक्ति होती उसके लाइफ के बेस्ट कैरेमल पॉपकॉर्न होते अंदर ऐसा लग रहा है देसी घी में पूरे बनाए हुए हैं बहुत टेस्टी है पता लग गया ये वाली चीज इतनी ज्यादा फेमस क्यों है वर्थ इट है और चीज वाले पॉपकॉर्न अगर हम थिएटर वगैरह से खाते हैं ना बहुत ही आर्टिफिशियल सा फ्लेवर आता है बट इसको खा के लिटरली लग रहा है कि असली चीज से बनाए हैं ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो फूड टूर है ना वो पूरा का पूरा मीठे पे समर्पित किया हुआ है हमने क्योंकि पॉपकॉर्न जो हमने खाए थे वो भी मीठे थे और अब जेडी हमें ले आया है क्रिस्पी क्रीम्स पे इंडिया में वैसे मैंने ये ट्राई किया हुआ है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था और जेडी इस बात से हो चुका है ऑफेंडेड ये तुझे पसंद आएगा अच्छा अगर ना आया तो प्लीज कर लियो तो बेसिकली जहाँ पे हम आए हैं वो एक दुकान नहीं है वो एक फैक्ट्री है यहाँ पे डोनट्स बनते हैं और बेचते भी है तो लेट्स ट्राई तो ये पूरी फैक्ट्री है मशीनें वगैरह लगी हुई है फिलहाल मेरे ख्याल छुट्टी होगी अब देखते ही मुंह में आ चुका है पानी की भी वैरायटी है बेशुमार तो जी डोनट हमने करवा लिया हुआ है गौर से देखिए इस डोनट को बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लिशकारे मारते हुए तो ये है एक ओरिजिनल ग्लेज्ड डोनट मैंने अभी इसको उठाया है ना इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि ऐसे हाथ लगाते ही दब रहा है खा के देखते हैं इतना फ्रेश डोनट ना सच्ची मैंने आज तक नहीं खाया बाइट लेते ना ऐसा लग रहा है कि गुब्बारे को दंदी मार दी हुई है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है वेरी वेरी गुड ये वाला कौन सा डोनट है चॉकलेट फिल्ड फिलिंग वाला डोनट है एक बार इसको भी खा के देखते हैं ये अच्छा है पर जो फ्रेश वाला डोनट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है पास होगी जगह पास होगी हुई है वेरी गुड थैंक यू शुक्र है क्रिस्पी की होने की गाल नहीं कटेगा आज ना मीठा बहुत ही ज्यादा हो चुका हुआ है तो अब कुछ मुंह चटपटा करने के लिए आ चुके हुए हम अब हम जो खाएंगे वो सब कुछ एग के रिलेटेड होगा अच्छा एग की अलग अलग प्रकार की कहेंगे यार मैं हिंदी में वर्ड लग रहे हैं अलग अलग जूने खाएंगे उसकी जूने खाएंगे डिशे खाएंगे तो जिस जगह पे हम आए हैं उसका नाम है एग मेनिया और इनकी हर एक आइटम के अंदर अंडा जो है वो घुसा दिया हुआ है तो यहाँ पे जेडी कह रहा है कि एक अंगूरी फ्राई है जो इसको बहुत अच्छा लगता है तो वो मंगाते हैं और देखते हैं क्या है ये अंगूरी फ्राई अंगूर के अंदर अंडा डाल दिया या अंडों के अंदर अंगूर डाल दिया क्या आइटम है
खाना अपना आ चुका हुआ है, ये है अंगूरी फ्राई, साथ में दी है उन्होंने मैदे वाली ब्रेड, साथ में दी है प्याज, और इसमें अंगूर का कोई नामो निशान नहीं है। चीज लग बहुत ज्यादा टेम्पटिंग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और इसको देख के ना मलाई मेथी वाली फीलिंग आ रही है। अब जरा खा के देखते हैं। आजा मेरा पार्टनर इन क्राइम होने वाला है मनसीरत। ओए 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 भाई, प्रॉपर टोस्ट करके दी हुई है, मक्खन लगाया हुआ है। सच में मलाई मेथी वाली जैसी ग्रेवी होती है ना, उस टाइप की ग्रेवी है। टेस्ट इज गुड, नजारे आ गए। आपका कहना चाहोगे? दिस इज माय फोर्थ टाइम। अच्छा, तुम यहाँ के पके गाको? हाँ, मैं खा चुके हैं। देखो जी, अब इसको हम करते हैं खत्म। आपको अगर भूख लगी है तो कमेंट करके बता देना, और किचन में जाके कुछ ढूंढ लो खाने के लिए, मिल जाएगा, नहीं तो मैगी जिंदाबाद है। और स्पेशल थैंक्स टू जेडी सिंह जिसने हमें इतना बढ़िया फूड टूर दिया। जेडी सिंह, हां जी सर, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम एक और बिजनेस शुरू कर सकते हो लोगों को फूड टूर देने का। मैं जो भी आएगा उसको पेट मोटा करके वहां से बेचे करूंगा। हां, यू आर गुड इन इट। अगर किसका वेट नहीं बढ़ रहा है मेरे पास आओ, मैं बढ़ा के भेजता हूँ। लास्ट टाइम मंसीरत आया था, इसको मैंने गोलू करके भेजा था, उन कार का पेट भी 10 किलो बढ़ा के भेज रहा हूँ। मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आपको मजा आया तो कमेंट कर देना। टाटा, बाय बाय।